यहाँ पर देख रहे होंगे पटना विश्वविद्यालय द्वारा आक्रामकता रूप से प्रदर्शन करते हुए सीधे एकदम शूट एंड साइट और फांसी की मांग करते हुए अभी छात्राओं से बात कर रहे हैं पटना विश्वविद्यालय के। क्या आपकी मूल मांगे हैं? अभी देखिए हम लोग जैसे हैदराबाद में इनकाउंटर किया गया, हम पटना पुलिस से यही मांग करते हैं कि अपराधी को इनकाउंटर किया जाए, नहीं तो हम लोग यहीं पर बैठ के आत्मदाह कर लेंगे, नहीं तो लड़ेंगे। ये लोग हम लोग को कीड़ा मकोड़ा समझ के रखे हैं क्या कि हम लोग घर में रोटी बनाते हैं तो ये महिला कमजोर है, हम लोग भी बम भी बना सकते हैं और बनाएंगे। नीतीश कुमार जी से हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी के थोड़ा भी अंतरात्मा उनका जागता है तो वो यहाँ पर आते, स्टूडेंट से पूछते कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पुलिस प्रशासन को भेज के हम लोग पे लाठियाँ चलवाई जा रही है, हम लोग को मारा जा रहा है, लेकिन ये नहीं पूछा जा रहा है कि तुम लोग यहाँ बैठे क्यों हो। हमको बस न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सरकार से यही अपील है कि हम लोग को न्याय दीजिए, जस्टिस दीजिए, जो आरोपी है उसको सजा दीजिए और कुछ नहीं। किस तरह का सजा? फांसी की सजा मिलना चाहिए। पीछे रहा है, पलटकाइए उसको। हैदराबाद के बाद लगातार कांड हो जा रहा है, रोज पे रोज कांड हो रहा है, पर सरकार सुनने में एकदम निरंकुश हो रही है। इसी कारण से अभी देख रहे होंगे पुलिसिया कार्रवाई अभी बढ़ गई है, जिस प्रकार से अभी पानी का अभी फोर्स यहाँ पे चढ़ाने की बात हो रही है और पुलिस अपने अपने जगह से मुस्तैद हो गए हैं खदेड़ने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को। और भी हम लोगों से अभी बात करवाते रहेंगे। इससे मैं रविकांत, अभी पटना में कारगिल चौक के पास जिस प्रकार से कल से प्रोटेस्ट चल रहा है पटना विश्वविद्यालय के छात्रों पर, लाठी कार्रवाई भी की गई है पुलिस द्वारा, और ये देख रहे होंगे अभी छात्रों पर लाठी बरसाने की अभी तैयारी है। क्या आप लोगों का क्या यहाँ पर अभी होने वाला है? अभी पहले थोड़ी देर पहले लाठी चार्ज हुआ है स्टूडेंट पर। मैं हूँ अमृतांश, पटना कॉलेज मिंटो छात्रावास से, और हम लोग सुबह से अगेंस्ट रैप जो है हम लोग नारा लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन लाठी चार्ज कर रही है और हम लोग को मना किया जा रहा है। और नजदीक आएंगे जैन जी, अभी यहाँ पे और भी लोगों से हम बात करने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर बी बोन जस्टिस का नारा सुनाई दे रहा होगा, इसके अंदर आएंगे। हेलो हेलो साथियों, मूल मांगे क्या है आप लोगों की? नारा लगाना। मेरा नाम राधे श्याम, हम लोग अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्वक तरीके से बात रखेंगे। मेरा नाम राधे श्याम हुआ और कल जो पांच लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से हम भी एक थे। और हम लोग का मांग है कि जो हम पटना प्रशासन कॉलेज के लड़कियों के साथ चार लोगों ने दुष्कर्म किया उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, सजा दिया जाए। और आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपके लाठी गोली से हम लोग नहीं। पटना विश्वविद्यालय के छात्र जो कल अरेस्ट किए थे कितने बजे छोड़ा गया था? हम लोग को 8:30 बजे छोड़ा गया, 8:30 बजे छोड़ा गया। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे अभी यहाँ पर देख रहे होंगे लाठी चार्ज के कारण सभी छात्र अभी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग की मूल मांगे क्या है? देखिए हम लोग पहली बात तो ये चाहते हैं कि जो बलात्कारी है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा दी जाए, उनको पकड़ा जाए। पुलिस अपनी कार्रवाई जो कल प्रदर्शनकारी छात्रों पर आके अपनी कार्रवाई दिखाई है, वो पुलिस कहाँ रहती है जब बलात्कारी रोड पे घूमते रहते हैं? तो या पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हुए हैं बलात्कारी, उनके लिए पुलिस क्या कर रही? प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी बरसाने के लिए पुलिस रहती है, गिरफ्तारियां लेने के लिए पुलिस रहती है, लेकिन उनके लिए पुलिस नहीं। अभी पुलिस लाठी डंडे से खदेड़ने के लिए तैयार है, तो अब क्या करेगी छात्र? देखिए हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से इस घेरे के अंदर अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। बाहर से कर रहे हैं जो लोग बाहर से कर रहे हैं वो हमारे साथ नहीं। हमने उनसे बहुत अपील की है कि साथियों अंदर आ जाइए, आज हम लोग बात करने के लिए आए थे, क्योंकि लाठी डंडे से कल हमने प्रदर्शन किया, लेकिन रोज दिन अगर हम लोग वही करेंगे तो हमारी बातें जनता तक पहुंच नहीं पाएंगी, छात्रों तक पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी पार्टी संगठन से? हम लोग यहाँ पे छात्र संगठन है बहुत सारा, सारे छात्र संगठन द्वारा अभी यहाँ पर पुलिसिया जारी है। क्या यहाँ पर मूल मांगे अभी नजर आती है? सबसे पहले अभी आप देखे जो पटना विश्वविद्यालय पर छात्र पर लाठी चार्ज किया गया है, यह बिहार प्रशासन पटना प्रशासन की एक घोर निंदा का विषय है। छात्र पर लाठी चार्ज किए हैं, इसका इनको खोबियाना भुगतना पड़ेगा। 2014 में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने रैली किया था और विधानसभा को उखाड़ दिया था, पटना विश्वविद्यालय के छात्र आकर रोषित नजर आ यहाँ पर, जिस प्रकार से सरकार और छात्र द्वारा यहाँ पर मुठभेड़ अभी जारी है, तमाम प्रशासन यहाँ पे नजर आ रहे होंगे इधर वाले एरिया में, पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए। और जिस प्रकार से क्या सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा सर, अंदर आ जाओ जैन। देख रहे होंगे पुलिस द्वारा अभी मुस्तैदी कुछ ज्यादा ही कड़ा हो गया है, या यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज और कैनन वाटर की व्यवस्था की गई है, वाटर फोर्स से अभी गिराया जाएगा। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी देख रहे होंगे, इधर
इधर जिस प्रकार से पुलिस अपनी मुस्तैद नजर आ रही है और भी कार्रवाई के लिए अभी रोड जाम छुड़ाया गया है पुलिसों द्वारा। छात्रों को अभी थोड़ा सा थोड़ी लाठी डंडा अभी चार्ज हुई थी, पर उसके बाद फिर सारे छात्र भाग खड़े हुए और इस घेरे के अंदर ही करने का आदेश दिया गया है। झकास भारत से मैं रविकांत, अभी पटना में कारगिल चौक में देख रहे होंगे पटना विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन अभी जारी है। एक छात्रा की बलात्कार का मामला आया है, गैंग रेप का, उसी को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं कर से। कल पुलिसिया कार्रवाई भी की गई है, क्या मांग है आप लोगों का? हमारा मांग यही है कि जिस तरह से भारत सरकार ने कैब को लाकर राष्ट्रहित में काम किया, उसी तरह महिलाओं के अधिकार में, महिलाओं के हित में एक ऐसा बिल पास करे जिससे बलात्कारियों को ज्यादा से ज्यादा समय न मिले, उन्हें अविलंब फांसी की सजा मिले, हमारा यही मांग है। हैदराबाद की तरह सजा की मांग भी कर रहे थे छात्र? संविधान के अनुसार होना चाहिए, तुरंत फांसी की सजा मिलना चाहिए, संविधानिक संवैधानिक अनुसार से स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। अभी लग जाता है, अभी जो फांसी हुआ अब लगेगा, मतलब इसमें इसका इतना लंबा लप आती है कि यहाँ का पॉलिटिकल अप्रोच आता है, जो रेपिस्टो रहता है उसको पहले बचाव किया जाता है। यहाँ हम कहते हैं मीडियम मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से जो भी नेता या राजनेता सुन रहे हैं, रेपिस्टो की किसी तरह से कोई बचाव नहीं किया जाए उनको। वर्तमान बिहार सरकार से आप लोगों ने कुछ आशा है कि कुछ होगा? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा आशा नहीं लगा है, लेकिन यहाँ बलात्कारियों पर पकड़ना चाहिए, तो यहाँ पुलिस बल का प्रयोग छात्रों पर हो रहा है, छात्राओं पर हो रहा है। पुलिस को काम है कि जाके बलात्कारियों को पकड़े, बलात्कारियों को सजा दिलवाए, तो यहाँ पर छात्रों पर अत्याचार हो रहा है। कल पुलिस द्वारा ही कार्रवाई किया गया, उल्टा हम लोग पर कार्रवाई किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से जो हम लोग चल रहा है उसी पर मतलब अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे होंगे तमाम नेतागण अपने अपने छात्र नेता दिख रहे हैं, तमाम पटना विश्वविद्यालय के छात्र नेता अपने अपने तरह से अपने अपने ढंग से आक्रोश व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार के प्रति। और देख सकते हैं सिंडिकेट सदस्य जी से अभी पूछते हैं, ये कब तक चलेगा पप्पू जी? ये तीन लोग गिरफ्तार हो चुका है, चौथा के अरेस्टिंग के लिए हम लोगों ने डिमांड किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पटना विश्वविद्यालय को शर्मसार करने वाला घटना घटा है, इसमें कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन भी दोषी है। क्या मांग है आप लोग का? मुख्य मांग है, मांग है कुछ को लाया जाए, एनकाउंटर किया जाए, नहीं तो पब्लिक हम लोग के बीच में दे दिया जाए एकदम शूटिंग साहब। ना वो ढंग से मारेंगे, जो मारने का तरीका ना होता है उसके तरीका से किया जाए। यहाँ पर देख रहे होंगे अपने अपने ढंग से छात्र बात करते हुए, और भी हम लोग पूछ रहे थे और छात्र नेताओं से भी जानते हैं। पप्पू जी यहाँ पर जिस प्रकार से आप लोग का मूवमेंट का मांग क्या है? हमारा डिमांड है कि अविलंब जो है दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इसका न्यायिक जाँच हो। इस प्रकार की घटना पटना में, पटना विश्वविद्यालय को कलंकित करने वाला जो घटना है, इसमें दोषी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। लेकिन जिस प्रकार पटना के अंदर इस प्रकार की घटना पहली बार आई है, खास करके एक ही महाविद्यालय के छात्रों द्वारा, ये काफी शर्मनाक घटना है। इस घटना की न्यायिक जांच हो, जो भी लोग दोषी हैं उसको अविलंब गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी जो सजा हो सकता है उसको दिया जाए। कड़ी से कड़ी सजा का मांग करते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं, और भी हम लोगों से अभी बात करेंगे। ये यहाँ पे ये जिस प्रकार से आप लोग ये अंदर में कर रहे हैं और जो बाहर में कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग लोग हैं क्या? देखिए, हम लोग की पूरी कोशिश है कि इंसाफ उस लड़की को दिलाना है। कल हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, लाठी चार्ज हुआ था, हमें पता है आंदोलन को बिखेरने के लिए पुलिस ये सारे कदम लेगी। लेकिन आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सारे लोग इसी घेरे के अंदर हम लोग यहीं पर तब तक बने रहे जब तक कि कोई अधिकारी ये आश्वासन नहीं दे दे कि उन बलात्कारियों को। पटना विश्वविद्यालय के छात्र अपने उग्र प्रदर्शन पे अभी दिख रहे होंगे, कल से यहाँ पर मूवमेंट है, कल छात्रों को पीटा गया है और मांग है बलात्कार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसे ही छात्र नेता से अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी नीतीश जी? हमारी मांगे हैं कि कल लाठी चार्ज में जो भी पुलिस अधिकारी सम्मिलित है उनको जल्द से जल्द सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई किया जाए, और लाठी चार्ज के आड़ में दोषियों को जो बचाने का पटना पुलिस का प्रयास किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के और बड़े अधिकारी के सम्मिलित होने की बू आ रही है, उनको कहीं ना कहीं न्याय नहीं देने की बू आ रही है। ऐसे लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और दोषी को जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा हो, हमारी प्रमुख मांगों में से यही है। हम उस तमाम साथियों के क्रांतिकारी जज्बे को सलाम करते हैं। आप तमाम साथियों से हम कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर में जो तमाम छात्रों के संगठन हैं, जो छात्रों के नाम पर
अपनी अपनी दुकान चलाते हैं वो कहीं ना कहीं से, हम चाहते हैं कि छात्रों के हित में अगर आप काम करने वाले अगर हैं, छात्रों के हित पर काम करने वाले हैं, तो एक साझा मंच बनाइए, एक मंच बनाइए और लड़ने की गारंटी कीजिए और निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम करते हैं। हम इस बात को फिर से सूचित करते हैं कि पटना का जिलाधिकारी, जैसा कि जिला प्रशासन के लोगों ने सूचित किया है, पटना के जिलाधिकारी थोड़ी देर में आएंगे और निश्चित तौर पर हमारा डेलीगेशन मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री सचिवालय के प्रधान सचिव से भी मिलेगा। हम चाहेंगे कि आप लोग बात नहीं करते हैं, सारी गाड़ियों को तोड़ने का काम करते हैं। अगर यही हरकत है तो आप लोग इस आंदोलन को छोड़ के जा सकते हैं। हम लोग 10 लोग यहाँ पे खड़े रहेंगे, हमें नहीं चाहिए 200 लोगों की भीड़। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए, आराम से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाए, अपनी अपनी बातों को रखें। बड़ा चाहिए तो फांसी दो, फांसी दो साथियों, बलात्कारियों को फांसी दो। इस तत्व ऐसे है जो बहुत सुनियोजित तरीके से इस आंदोलन